एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुबह। आज हम एक नया तरण पट्टी बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये 4-ply की ऊल। देखिए, मैं इस कलर का ऊन ली हूँ। आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। और हमें चाहिए क्रोशेड हुक। देखिए, ये मेरा 12 नंबर का क्रोशेड हुक है। और हमें चाहिए कैंची कट करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हमें नॉट लेना है। इस तरह ही हमें पहले नॉट लेना है। और नॉट लेने पास धागे को इस तरफ खींच लेना है। और इसमें हमें क्रोशेड हुक को डालना है और चेन बनाना शुरू करेंगे हम। हमें 15 चेन चाहिए। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। देखिए, हमारा 15 चेन बन गया। अब हमें क्या करना है, पहले 2 चेन को स्किप करना है और तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह ही, देखिए, हो गया। उसके बाद हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह ही हमें सारे चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, हमने सभी चेन में डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें 3 चेन लेना है। 2, 3, 3 चेन लेने के बाद इसको टर्न कर देना है और आगे हमें और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। देखिए, हम 1, 2, 3, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेना है और नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है और तीसरे में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन लेना है और उसी सेम घर से हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, इस तरह, और फिर से एक चेन लेना है और यहाँ से हमें 2 स्किप करना है। 1, 2, 2 स्किप करना है और तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, लास्ट में हम बना लेंगे। देखिए, और यहाँ हम एक बनाएंगे। देखिए, इस तरह ही हमें 4 लेना है। एक चेन लेकर हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, फिर से वहाँ 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, और उसके बाद हम 4 बनाए डबल क्रोशिया। अब हम उसके ऊपर का लाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें लेना है फिर से 3 चेन, टर्न करना है और ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, हमारा 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, यहाँ इस तरह ही इसके अंदर ही क्रोशेड हुक को डालना है। मैं फिर से करके दिखा देती हूँ। इस तरह ही हमें नीचे के तरफ से
इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डालना है और उनको धागे को इस तरह खींच लेना है। देखिए फिर से हमें खींचना है, फिर से हमको वहीं से धागे को खींचना है। हम चार बार खींच चुके हैं, अब हमें आखिरी बार करना है। हमें टोटल पांच बार इस तरह करना है। देखिए हमने धागे को पांच बार निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, दो दो करके इसको धागे में हम इस तरह निकालेंगे। देखिए पहले हमारा दो हो गया और फिर हम दो, फिर हम दो में नहीं दो में से निकालेंगे। देखिए इस तरह ही हमें बनाते जाना है। देखिए और ये लास्ट में हमारा तीन रहेगा, इस तरह ही हमको निकाल लेना है। देखिए ये इस तरह दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक चेन वाला गेप है उसके अंदर से हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से एक वहाँ से सॉरी फिर से वहाँ से एक हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस साइड में इस तरह देखिए क्रोशिया डो को इस तरह डालना है और हमें इस तरह धागे को खींचना है, हमें पांच बार निकालना है। देखिए हमारा पांच बार हो गया, अब हमें दो दो करके निकालना है। दो हो गया हमारा पहले बार है। हमको और लास्ट में हमको इतनी, देखिए ये हमारा बन गया। देखिए एक बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ये। अब हमें कुछ लेना नहीं, सीधा यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और हमारा चार डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह चार बना लेंगे। देखिए मैंने चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया बना ली हूँ। देखिए ये इस तरह बन गया है बीच में। अब हमें उसका ऊपर का लाइन बनाना है, उसके लिए हमें तीन चेन लेना है, डन करना है और ये तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ये चार हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेना है और यहाँ जो इसको छोड़े थे हम इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया लेना है। देखिए इस तरह डबल क्रोशिया और एक चेन लेना है और फिर से वहाँ हमें एक डबल क्रोशिया लेना है, एक चेन और ये चार डबल क्रोशिया के ऊपर में चार डबल क्रोशिया बना लेना है। वन टू
4। देखिए इसका ऊपर का लाइन हो गया। अब हम इसका ऊपर का लाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 चेन लेना है, टर्न करना है और ये सभी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए बन गया। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हम यहाँ किए थे उस तरह ही इस तरह ही इसके अंदर डालेंगे और 5 बार इस तरह धागे को हम खींचेंगे। 2 3 4 बार और ये हमारा आखिरी बार। देखिए 5 बार धागे को निकाल चुके हैं। अब हम दो दो करके निकालेंगे। देखिए पहले हमारा 2 हो गया, उसके बाद हमारा 2, सॉरी देखिए उसके बाद हमारा यहाँ 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और ये लास्ट में हमारा 3। देखिए हो गया इस तरह। और हमें यहाँ इस बीच में हमें एक डबल क्रोशिया और एक चेन और वहीं से फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए और यहाँ से हमें फिर से इस तरह ही धागे को खींचना है। ये हमारा आखिरी बार। देखिए इस तरह हम धागे को खींच लिए हैं। अब हम क्या करना है, दो दो करके निकालना है। यहाँ से थोड़ा फंस गया। देखिए ये हमारा 3 बार हो गया, ये हमारा चौथे बार और ये 5 हो गया हमारा इस तरह। और उसके बाद हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ही हमारा ये बटरफ्लाई की तरह दिखेगी। देखिए किस तरह दिख रहा है। इसी तरह ही आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतना लंबाई तक इसको बनाइए। और ये हमारा तरन पट्टी एक नया डिजाइन है तरन पट्टी का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।